नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीआरपीएफ ऑनलाइन फॉर्म 2023 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ईएसआई स्टैंड एंड हेड कांस्टेबल जिसकी वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी वॉच कर सकते हैं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कैंडिडेट की, सर सीआरपीएफ ऑनलाइन फॉर्म 2023 में जो है आईडी और पासवर्ड जो नहीं आ रहा है, पेमेंट कट गया है और सर लॉग आउट हो गया है। अब हम सर दोबारा से लॉग इन कैसे करें और हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब बात समझिए, आपने कुछ घंटे वेट कर लिया, आधा घंटे या एक घंटे, और आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल पर नहीं आया है, मोबाइल पर तो मैसेज नहीं आ रहा है और आने वाले टाइम में आ भी जाए तो कह नहीं सकते, बट इस प्रेजेंट टाइम में जो है स्थिति यह है कि मोबाइल पर नहीं आ रहा, ईमेल पर आ रहा है बट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो उस समस्या का समाधान कैसे करें? आप लोग परेशान ना हों और इस वीडियो को वॉच करें और समाधान 100% वन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ईमेल पर नहीं आया तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आधा घंटे वेट कर लिया तब भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बोला था आपको यहाँ से ये फॉरगेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन ये फॉरगेट यूजर पर। ठीक है, अब इस प्रकार से आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को पेस्ट कर दीजिए, ईमेल आईडी सिस्टम पर लॉगिन कर लीजिए, मोबाइल पर लॉगिन कर लीजिए और फॉर्म को फिल करते समय ईमेल आईडी को अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अच्छे से चेक करें और उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को पेस्ट कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद जो है फॉरगेट यूजर पर आप क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पर मैसेज आएगा कि यदि आपकी ईमेल आईडी सही है तो आपके पे कुछ समय बाद जो है आईडी पासवर्ड पहुँच जाता है। इस बात का प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि हम भी परेशान रहे और जब हमें लगा कि समस्या का समाधान मेरे पास है तो हमने सोचा कि आपसे इस मामले में आपसे इस प्रॉब्लम को शेयर करें। तो हम आपको दिखाने वाले हैं ईमेल पर कि लगभग 4 घंटे बाद जो है मेल आया है और उस पर आईडी और पासवर्ड आया है। एक तो जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आता है और दूसरा मैंने फॉरगेट किया था, तो वो दो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है सेम वही ईमेल पर आए हैं, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये लाइव प्रूफ है मेरे पास, देख सकते हैं ईमेल आईडी ओपन है, सिक्योरिटी रीजन से कुछ डिटेल को हाइड यहाँ कर दिया गया। देखिए, एक मैंने फॉर्म 6 बजे किया था और देखिए 6:39:57 पर एक आया 3 घंटे बाद और एक जो है 10:03 PM पर आया है। तो आप लोग परेशान ना हो, अपनी ईमेल को रिफ्रेश करते रहें, लॉग इन करके चेक करते रहें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार फॉरगेट कर दीजिए, उसके बाद लगभग 3 या 4 घंटे या 2 घंटे